हेलो स्टूडेंट, तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रामर का नया टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। बोथ ऑफ द स्टैंडर्ड 11th और 12th दोनों के लिए ये कॉमन ही है। तो सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर को आगे बढ़ाते हुए आज नया टॉपिक लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसके बारे में आप बखूबी पीछे के स्टैंडर्ड में इतना तो सीख गए हो कि दो व्यक्तियों के बीच में जो कन्वर्सेशन है या वार्तालाप है उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन यही कन्वर्सेशन या ये डायलॉग अगर कोई थर्ड पर्सन सुनता है और उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर अन्य व्यक्ति को बताता है तो उसे क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच शुरू करने से पहले हम उसके कुछ बेसिक रूल्स लेंगे ताकि हमारे माइंड में उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर। तो यहाँ मैंने जो रूल्स लिखे हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे तो ही आप उसका इनडायरेक्ट स्पीच कर सकते हो। तो याद रखना किस तरह से है। अगर दी हुई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, यानी कि इज एम आर वाला सेंटेंस दिया हुआ है, तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए उस स्पीच को वही सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। वॉज या वर यूज किया जाएगा। या तो अगर सेंटेंस डायरेक्ट दिया है जैसे कि ब्राइट है तो उसका सेकेंड फॉर्म होगा ब्रॉट। इस तरह से याद रख। अगर इज एम आर यूज किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो हम उसकी जगह पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन इज एम आर दिया हुआ है तो हम वॉज वेर यूज करेंगे। उसी तरह से अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस दिया है, दैट मीन्स इज एम आर प्लस वर्ब का आई एन जी दिया है, तो हम उसका पास्ट कंटिन्यूस कहेंगे। याद रखना है इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट का पास्ट और पास्ट का पास्ट परफेक्ट होगा। ये रूल्स आपको याद रखना। तो आई एन जी है तो यहाँ भी आई एन जी तो आएगा लेकिन पास्ट कंटिन्यूस है, यानी क्या होगा? वॉज वर प्लस आई एन जी। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है तो इस टेंस के अंदर हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आता ही है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का दिया है, यानी के हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी दिया है, तो इनडायरेक्ट करते वक्त पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दैट मीन्स हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी होगा। नेक्स्ट, अगर डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट सेंटेंस जो हमें पास्ट परफेक्ट का ही दिया हुआ है तो उसमें कोई चेंजेस होगा नहीं। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सामने भी हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी मैंने जैसे आपको कहा प्रेजेंट का पास्ट और पास्ट का पास्ट परफेक्ट होगा, लेकिन सेंटेंस ही ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट का दिया है तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। एक और बढ़ते हैं, अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का दिया है, याद रखना यहाँ पर है इस टाइप, अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट का दिया हुआ है तो उसे हम काय में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, एड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हियर अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है, यानी कि शैल और विल का यूज किया हुआ है, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे? मॉडल ऑक्सिलरी वुड यूज करेंगे। याद रखना शैल और विल की जगह पर क्या यूज करेंगे? वुड यूज करेंगे। उसके अलावा रूल्स ऑफ प्रोनाउंस की तरफ बढ़ते हैं, तो कुछ रूल्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में आई दिया है तो इनडायरेक्ट में अगर ही है तो बोलने वाला अगर ही है तो हम ही लिखेंगे, और लेडी है कोई तो शी लिखेंगे। इसी तरह से मी है तो उसका हिम या तो हर, यानी कि जेंट्स हुआ तो हिम होगा, लेडी हुआ तो हर। उसी तरह से माइन है तो यहाँ पर बोलने वाला जेंट्स है तो इज और लेडी है तो हर। इसी तरह से सेकेंड प्रोनाउंस देखा जाए, अगर यू है तो हम सामने ही शी हिम इसका प्रयोग करेंगे या तो हर और दे का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू, बराबर बोलने वाले और सुनने वाले पर डिपेंड्स है। योर दिया है तो अगर जेंट्स है तो हीज और लेडी है तो हर, और ज्यादा क्वांटिटी में अगर वहां पर लोग है तो है। इस तरह से उसे एक्सप्लेन ही शी ईट है तो वो एज इट इज ही रहेगा। वी दिया है तो इनडायरेक्ट में दे होगा। अवर है तो धैर्य,
और अवर्स है तो धैर्य होगा, याद रखना, और दे दिया है तो एज इट इज दे ही रहेगा। तो ये कुछ बेसिक रूल्स माइंड में होंगे तो ही हम आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रूल्स के साथ।